नमस्कार मित्रों, झारखंड धरोहर न्यूज में आप सभी का आज फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं खूंटी जिला अंतर्गत तोपा के अम्बापखना उर्मी फुटबॉल मैदान में भी मौजूद हूं और यहां पर दो दिवसीय चेरो रवतिया आदिवासी सामाजिक फुटबॉल टूर्नामेंट अंतर्गत चेरो रवतिया आदिवासी न्याय संघर्ष समिति के द्वारा आयोजन किया गया है। इस टूर्नामेंट का जो प्रथम पुरस्कार है वो बड़ा खसी है और सेकेंड छोटा खसी के रूप में किया गया है। देख सकते हैं कि दोनों ओर यहाँ पर दोनों टीम के खिलाड़ी अभी मौजूद हैं और यहाँ पे जो खेल का जो रणनीति है उसके बारे में समझा दिया गया है और अभी खेल स्टार्ट होने वाला है। आज इसका पहला दिन है और जैसे कि कल फाइनल मैच होगा और अभी शाम लगभग हो गया है तो समय को देखते हुए हम ज़्यादा कुछ अभी बात नहीं करते हैं। फिर यहाँ का जो रणनीति है उसके बारे में हम लोग कुछ देर बाद मैं आप सबों को विस्तार से बताऊँगा। आपका परिचय? मेरा नाम विशेश्वर सिंह है और यहाँ पर हम लोगों ने चेरो रवतिया समाज के अंदर जो भी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उन सबको मौका देने के लिए, उन लोगों को बाहर लाने के लिए ये टीम का कमेटी गठन करके हम लोग इस मैच का आयोजन किए हैं। और हम लोग का जो है जो चेरो रवतिया आदिवासी समाज है, जो ऑलरेडी हम लोग आदिवासी हैं और हम लोग को देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में बोला जाए या तो फिर खेल के बिरा में, संस्कृति के बिरा में, जो जो भी चीज़ है हम लोग का जो आदिवासी है, हम लोग का जो पूर्वज का है, वो लोग हम लोग भटकते जा रहे हैं, सबको पुनः जागरण करते हुए हम लोग समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं, समाज में खेल को बढ़ावा देना चाहते हैं, समाज में रोज़गार को बढ़ावा देना चाहते हैं और उसी का ये एक पार्ट है हम लोग का खेल का है। हम लोग खेल में भी हम लोग अपना समाज का, गांव का, क्षेत्र का और देश का रोशन करने के लिए हम लोग एक नर्सरी तैयार कर रहे हैं। हम लोग खिलाड़ियों को उभार करके हम लोग सामने ला रहे हैं ताकि हमारे समाज से अपना योगदान देकर के देश में अच्छे खिलाड़ियों को लाने के लिए हम लोग का समाज, हम लोग आगे बढ़ सके, हम लोग विशेष योगदान दे सके, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। कितने टीमों के बीच में ये मैच हो रहा है? इसमें हम लोग यहाँ पर 12 टीम है पुरुष का और 6 टीम महिला लोग का है। तो हम लोग दो दिवसीय है और इस टीम को संपन्न कराने के बाद में हम लोग खेल को बढ़ावा देने का हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसको करने के बाद हम लोग और 24 तारीख को सामूहिक रूप से चेरो रवतिया आदिवासी समाज जो हम लोग का जो पूर्वज का जो है हम लोग पारिवारिक है उसमें हम लोग कर्मापुर संध्या पर्व का भी हम लोग सब लोग बड़ी जनसंख्या हम लोग सभी को मिल करके उसको भी हम लोग मनाएंगे। खेल के बाद हम लोग कर्मा महोत्सव भी मनाएंगे। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि सामाजिक जो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, इसके माध्यम से आप लोग का क्या सोच है? देखिए, क्या रणनीति है आप लोगों का? देखिए, ये तो बात जैसा भी हम बोल चुके कि हम लोग को और खेल में भी आगे आना है और पढ़ाई लिखाई रोजगार सब में आगे आना है। तो हम लोग का एक यूनिटी है, हम लोग का एक एकता है, उसमें हम लोग को मतलब जितने भी झारखंड में चेरो रवतिया समाज में हैं हम लोग सबको एक झंडा, एक बैनर के नीचे हम लोग को आना है। आप लोग का यही मेन लक्ष्य है? हम लोग का यही लक्ष्य है, मेन लक्ष्य कि हम लोग पूरे झारखंड में जितने भी हैं हम लोग को एक बैनर एक के नीचे हम लोगों को सबको इकट्ठा होना है और हमारी आवाज़ और हमारे देश को योगदान पूरे देश में जाएगा और हम लोग पूरे देश में योगदान करेंगे, हम लोग समाज को आगे बढ़ाएंगे, हम लोग एकता और मेजोरिटी को बना कर रखेंगे। दादा, आपका परिचय? मेरा नाम शिव कुमार सिंह हुआ, मैं कमड़ा से हूँ। दो दिवसीय चेरो रवतिया आदिवासी सामाजिक फुटबॉल टूर्नामेंट में मैं भी यहाँ पर शरीक हुआ हूँ। दादा, यहाँ पर खेल जो आयोजन किया जा रहा है उसके बारे में आपका क्या विचार है? ये बहुत बड़ा चेरो रवतिया आदिवासी समाज का एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। इसमें झारखंड से बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने हमारे झारखंड के साथ साथ भारत का नाम भी रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा समाज के लोग भी अच्छे से अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, जहाँ कभी भविष्य में अच्छा खिलाड़ी के रूप में झारखंड और भारत का नाम रोशन करेंगे। अंत में आप इस चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहिएगा? देखिए, यहाँ पर हम लोग का जो पूर्वज है शहीद बख्तर शाह और मुंडल शाह देश का स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए। ये तो हम लोग शहीद तो नहीं होंगे लेकिन हम लोग जितना भी ये संदेश पहुँचेगा सबको हम लोग एकजुट होने के लिए आह्वान करेंगे और बख्तर शाह मुंडल शाह की तरह हम लोग भी देश के लिए, समाज के लिए एक बड़ा कार्य करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैदान के चारों ओर दर्शक अभी पानी कर रहा है, इसके बावजूद भी देख रहे हैं, इस मैच का आनंद ले रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। चलिए, जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय हिंद।